हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन डिस्कस करेंगे मैग्नेट पैनल के बारे में। इसमें पावर वायरिंग क्या होता है, कंट्रोल वायरिंग क्या होता है, वो ब्रीफली छोटा सा डायग्राम के साथ आप अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें यूट्यूब में एक दोस्त है, ये बोला था मेरे को, सर मैग्नेट पैनल का, पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग का थोड़ा बोर्ड में समझाइए, थोड़ा डिटेल में। हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, खाली थियोरेटिकल में आपको थोड़ा ड्राइंग में एक्सप्लेन करिए। उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ओके, आज का टॉपिक है मैग्नेट पैनल। अभी अपन बिफोर गोइंग टू मैग्नेट पैनल टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल शंकर रेड्डी इलेक्ट्रिकल चैनल। ओके, अब तक कोई भी आदमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करेगा तो, शेयर करेगा तो अपन को क्या है, मोटिवेशन मिलते रहते, ऐसे ऐसे अच्छे वीडियोस और बनाएंगे। ओके, अभी अपन टॉपिक में जाएंगे। ये जो मैग्नेट पैनल का पावर वायरिंग क्या होता है, कंट्रोल वायरिंग क्या होता है, सिंपल है, सिंपल डायग्राम है, हर इलेक्ट्रिशियन को सीखना चाहिए। क्योंकि वो जब मैग्नेट मॉल नहीं पकड़ता, बट्टी में मॉल नहीं जाता है ना, वो पूरा टेंशन कर देता है आदमी लोगों को। इसलिए वो सिंपल में आप लोग सीखना बहुत जरूरी है। ये दिमाग में बैठ जाना है, इस मैग्नेट पैनल बोलेगा तो कुछ नहीं है, इतना ही है, बस ऐसा करा ऐसा करा, हो जाएगा। वो सिंपल है, उसमें बहुत कुछ रहता है, वो सबका देखने की जरूरत नहीं है, इतना ही देख लेना। पावर वायरिंग में 415 वोल्ट सप्लाई आएगा, आके अपना कॉन्टेक्टर में जाएगा, यहां से होकर कॉन्टेक्टर में जाएगा। पहले MCCB से आएगा 415 वोल्टेज, वो आएगा कॉन्टेक्टर में, कॉन्टेक्टर से होकर ट्रांसफार्मर में आएगा, ट्रांसफार्मर से 180 वोल्टेज, 180, 170, 160 जो भी टैपिंग है वो हिसाब से लगाएगा। तब ब्रिज रेक्टिफायर में जाएगा, ब्रिज रेक्टिफायर से, ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी बनाना। आप एसी दे दिए तो डीसी निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर का ऑलरेडी हम अपन डिस्कस किया है। ब्रिज रेक्टिफायर का सिंपल फॉर्म में है, मैं अलग से बना रहा ड्राइंग। ये ब्रिज रेक्टिफायर में है, देखिएगा 6 थायरिस्टर आते हैं, 1, 2, 3, उसके बाद एक ऐसा आके, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया थ्री फेज सप्लाई। थ्री फेज में 170, 180 जो भी दो, थ्री फेज सप्लाई है। ठीक है, अपन यहां देंगे, यहां डीसी सप्लाई निकल जाएगा। ये ब्रिज रेक्टिफायर यहां, इसलिए इसमें नहीं लगाया, इसमें लगाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा करके। मैं अलग से ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया हूं, 6 डायोड का रहता है, 6 डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव निकल जाएगा, एसी सप्लाई इनकमिंग दे देगा तो आउट गोइंग। ओके, ये हो गया आपका पावर वायरिंग। दूसरा इसमें क्या है, कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग बोलेगा तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एक कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, एक कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करो थ्रू MCB। ओके, वो थ्रू MCB से करना बोलेगा तो उसमें कंट्रोल ट्रांसफार्मर में 415 वोल्टेज दे दीजिएगा। 415 वोल्टेज से आपको निकलेगा क्या है, देखो 415 वोल्टेज में इनकमिंग दे दिया तो आउटगोइंग में 110 वोल्ट निकलेगा। एक कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, इतना ही है कंट्रोल वायरिंग बोलेगा तो। कंट्रोल वायरिंग में कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना, और जब 110 वोल्ट एसी से दूसरा निकल गया, वो न्यूट्रल पॉइंट डायरेक्ट दे देना 0 वोल्ट, पॉजिटिव को थ्रू MCB से घुमा देना, बस इतना ही कंट्रोल वायरिंग है। पावर वायरिंग सिंपल है, कंट्रोल वायरिंग सिंपल है, किंतु आप लोग सोचना क्या है सिंपल डायग्राम में, इसको देख के प्रैक्टिकल में जाइए। आप लोग कोई भी मैग्नेट पैनल का काम आसानी से कर सकते हो,
आजकल मैग्नेट पैनल में बहुत कुछ पैनल आ रहा है, वो सब अपने को करना नहीं है, क्योंकि जो बट्टी में माल नहीं जाता है ना उस समय टेंशन क्या होता है सबको मालूम है। इसलिए क्रेन का 3-5 मिनट 10 मिनट में अपना कवर कर लेना है। हम लोग को भी ऐसा ही हुआ था, और बहुत पैनल्स आया। हम लोग क्या करते थे, एक मैग्नेट पैनल को बना के उसमें एक कॉन्ट्रेक्टर बैठा दिया, एमसीसी भी बैठा दिया, उसके बाद ट्रांसफार्मर बैठा के उसको आउटपुट ब्रिज रेक्टिफायर बना के डीसी निकाल देते थे। निकाल के सिंपल डायग्राम में अपना कंट्रोल ट्रांसफार्मर बैठा के वो कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट कर देते थे। ऑपरेट करने पर सिंपल में अपना अपन जो हिसाब से सोच रहे हो वो हिसाब से अपना मैग्नेट पैनल बन गया। और ये हिसाब से आप लोग बनाएगा तो कहीं भी फेल नहीं होगा। ये डायग्राम को दिमाग में रख के अपना हिसाब से कहीं भी मैग्नेट पैनल नहीं है वो हिसाब से, ये हिसाब से बनवा लो। आप लोग को क्रेन ब्रेकडाउन का कम करने वाला हो जाएगा, आप लोग भी कहीं फेल्यूर नहीं होंगे, किसी से डांट उठ करने की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल डायग्राम बनाएगा तो अपना दिमाग में आ जाएगा, तुरंत तुरंत कर सकते हो। ओके, आई होप दैट आप लोग को समझ में आया होगा। ये ऐसे ही बना के कहीं भी आप लोग फेल्यूर नहीं होना करके सिंपल डायग्राम बनाया जा रहा है, बनाया गया है। ओके, आई होप दैट आप लोग को समझ में आया होगा। अब तक मेरा चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आज का टॉपिक इतना ही है। ओके, थैंक यू, बाय।